दोस्तों, मौजूदा दौर में विश्व के अनेक हिस्सों में तरह तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहा है। दुनिया के भविष्य को लेकर आज से पहले कई भविष्यवक्ताओं ने कई भविष्यवाणियां की हैं। भारत में 16वीं शताब्दी में एक संत हुए थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। इन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें कलयुग के बारे में और इसके अंत और दुनिया के विनाश को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई थी। इन संत के बारे में प्रसिद्ध था कि ये भूत और भविष्य के बारे में एकदम सटीक विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वैदिक शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक एक समय में महान ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था जिसे पंच सखा के नाम से जाना जाता था। इन पांच महापुरुषों ने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थी जिसमें से एक भविष्य मालिका भी थी। ये किताब काफी लोकप्रिय है और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताती है। इस ग्रंथ में लिखी कई बातें एकदम सटीक सिद्ध हुई हैं। दरअसल भविष्य मालिका में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की कई भविष्यवाणी सच साबित हुई हैं, जिसमें कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेवों के वस्त्र जलेंगे, प्राचीन पेड़ गिरेगा और मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर बैठेगा। इस तरह तमाम तरह की भविष्यवाणियों के साथ भविष्य मालिका में कलयुग के अंत होने की तरफ इशारा किया गया है और कलयुग को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर एक भविष्यवाणी ये भी की गई जिसमें बताया गया कि साल 2030 से पहले पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना घटेगी जिसमें 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा और जिसके चलते चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं भविष्य मालिका में कलयुग को लेकर की गई कुछ डरावनी भविष्यवाणियों के बारे में। पहली भविष्यवाणी विश्व युद्ध और गृह युद्ध को लेकर है। हम सभी मौजूदा समय में ये देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेंशन्स लगातार बढ़ रही हैं। दुनिया के तमाम देश दो हिस्सों में बट रहे हैं। तनाव के चलते दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध हो रहे हैं या फिर गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की गई है कि यही गृह युद्ध और दो देशों के बीच लगातार चले आ रहे युद्ध के चलते ही दुनिया तीसरे महायुद्ध में जाएगी। इस विश्व युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिलेगी जिसमें लोग कीड़ों की तरह मारे जाएंगे और समूची दुनिया की आबादी केवल 64 करोड़ बचेगी। भविष्य मालिका में अगली भविष्यवाणी आसमान में दो सूरज दिखाई देने को लेकर है। भविष्य मालिका में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ यह भी कहा गया कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों को आसमान में दो सूर्य निकलते हुए दिखाई देंगे। दुनिया में इस तरह की घटना ये इशारा करेगी कि अब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणी के अनुसार आसमान में जो सूर्य की तरह पिंड निकलेगा वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। इस वजह से ओडिशा राज्य पूरी तरह से तबाह और जलमग्न हो जाएगा। भविष्य मालिका में कलयुग के 3 चरणों में अंत होने की बात कही गई है। धरती पर तबाही को लेकर भविष्य मालिका में ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें धरती का विनाश 3 चरणों में बताया गया है। पहला चरण कलयुग के अंत का होगा, दूसरे चरण में संपूर्ण धरती का महाविनाश हो जाएगा और तीसरे चरण में नए युग का आरंभ होगा। भविष्य मालिका में धरती का रूप बदल जाने की भी बात कही गई है। दोस्तों, भविष्य मालिका में धरती के स्वरूप में बदलाव की तरफ भी इशारा किया गया है जिसमें धरती का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। धरती अपनी बदली हुई धुरी पर घूमेगी जिसके चलते पृथ्वी पर समय समय पर बड़े बड़े भूकंप भी आते रहेंगे। खेती करना असंभव हो जाएगा। भविष्य मालिका में बताया गया है कि समय के साथ साथ लोग धीरे धीरे खेती करना बंद कर देंगे जिसके कारण धरती पर अनाज, फल और सब्जियों का अकाल पड़ जाएगा। भविष्य मालिका में यह भविष्यवाणी की गई है कि किसानों का खेती से बिल्कुल मोह खत्म हो जाएगा और फसल उगाने में किसी की दिलचस्पी नहीं रहेगी।
भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों में ये वाली भविष्यवाणी आखिरी तो नहीं लेकिन सबसे खतरनाक और डरावनी जरूर मानी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि साल 2030 से पहले एक ऐसी घटना घटेगी जिसके चलते 7 दिनों तक धरती पर अंधेरा छा जाएगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि साल 2022 से लेकर 2030 के बीच एक भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी जिसमें लगातार 7 दिनों तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी और ये घटना साल 2030 से पहले तक कभी भी घट सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन भविष्य मालिका में कोरोना वायरस को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी, जो सच हुई या नहीं इस बात से आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। हालांकि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी लोक मान्यताओं पर आधारित है, इसमें दी गई सूचना और तथ्य कितने सटीक और सत्य हैं, इस बात पर पूरी तरह दावा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम और ऐसी ही अजीबोगरीब वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।